तो जमाना आधुनिक हो गया है और जो टेक्नोलॉजी है वो भी मॉडर्न हो गई है। तो आज समय है कि चीज़ों को अच्छे तरीके से सामंजस्य बिठा के अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। और वैसे ही एक बिजनेस है आज के समय का मसाला उद्योग। आप देखेंगे कि छोटे छोटे स्केल पे लोग बिजनेस शुरू करके मसाला इंडस्ट्री में एक अच्छे स्केल पे अपने बिजनेस को बहुत कम दिनों के अंदर वो पहुँचाए। तो टोटल जो खेल है दोस्तों वो क्वालिटी का है। अगर क्वालिटी के साथ आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे ईमानदारी से तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप बिजनेस में एक बिजनेस को आप अच्छे तरीके से एक आने वाले समय में बल करेंगे और एक अच्छे स्केल पे उसको ले जा सकते हैं। तो आज कंप्लीट जानकारी मसाला बिजनेस के ऊपर रहने वाली है, स्पाइसेस बिजनेस के ऊपर रहने वाली है। और मैं बता दूं कि मैं हूं अभी गुजरात, जगह है अहमदाबाद और कंपनी का नाम है न्यू गोकुल इंडस्ट्री। तो कंपनी के बारे में मैं बता दूं कि लगभग पिछले 35 वर्षों से ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे स्पाइसेस बिजनेस के ऊपर। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी शुक्रिया सर, आपका भी सर, हमारे न्यू गोकुल इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम और कंपनी का कम्प्लीट एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी सर, मेरा नाम है किरण यादव और हमारी जो कंपनी है न्यू गोकुल इंडस्ट्री अहमदाबाद में स्थित ओडो विस्तार में आई हुई है। तो मैम आप कौन से मशीन के बारे में आज आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लोर करने वाले हैं? जी सर, आज हम ये जो मसाला मेकिंग मशीन है MS ब्लोवर जिसको कहते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहती हूँ, जो 2 HP से लेकर 10 HP तक हम बनाते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो लोग अगर 2024 में खुद का मसाला का अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आप मशीनों को बताने वाली हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो मशीन है ये सिर्फ और सिर्फ मसाला मेकिंग मशीन है जिसमें सिर्फ ऑल टाइप ऑफ ड्राई मसाला जैसे मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, वो आप इसमें आराम से पीस सकते हैं। वन टाइम में आपको क्रश होके पाउडर मिल जाता है सर। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं मैम कि पल्वराइजर में ही आप मसाला का भी काम कर सकते हैं, तो क्या ये सही बात है? बहुत सारी मशीन हम बनाते हैं, MS पल्वराइजर भी बनाते हैं जिसमें आप वो 2-in-1 वर्क करता है, लेकिन ये जो मशीन है खास मसाले के लिए ही बनाई गई है जिसमें सिर्फ मसाला होगा, कोई भी टाइप का अनाज इसमें आप नहीं पीस सकते, इसमें सिर्फ मसाला होगा, तो ये वो मशीन है सर। तो ये जो मशीन अभी हमारे दर्शक सामने से देख रहे हैं, लाइव डेमो के माध्यम से भी वो देख रहे हैं, तो ये बताइए कि कितने HP के मोटर पे ये मशीन संचालित होगी, चलेगी? जी सर, ये 2 HP से स्टार्ट होती है, 2 HP से लेके 10 HP तक ये मशीन हम बनाते हैं, विथ मोटर विदाउट मोटर ये मशीन हम बनाते हैं सर। और साइक्लोन मॉडल में ये है? जी सर, साइक्लोन मॉडल में है, यहाँ से आपको जितने भी मसाले हैं यहाँ से ग्राइंड करना है, वहाँ से ग्राइंड होने के बाद आपको यहाँ से मसाला आपको ग्राइंड होके मिलता है। तो एक चीज़ ये बताइए, आज देख रहे हैं कि साइक्लोन मॉडल जो है काफ़ी ट्रेंड में है, बहुत सारे लोग सर्च भी करते रहते हैं साइक्लोन मॉडल के बारे में, तो थोड़ा क्या इसकी खासियत है, क्या स्पेशलिटी है वो बताइए। जैसे सर अभी के टाइम में सभी को टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है सभी उसी तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये मशीन उसी के लिए बनाई गई है। जैसे किसी को सिर्फ मसाला का बिजनेस करना है तो छोटी सी जगह में ये मशीन लाके वो बिजनेस अपना चालू कर सकता है। जैसे इसमें क्योंकि इसमें 4 टाइप की जाली आती है तो जाली चेंज करके वो उसमें अगर आपको हल्दी का बिजनेस करना है, मिर्ची का करना है, तो 1 टाइप में मल्टीपल मसाले पीस के वो अपना बिजनेस चालू कर सकता है। अगर कोई मान लीजिए कि अपना खुद का मसाला उद्योग लगाना चाहते हैं तो लगभग कितने पैसे से बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है? सर ये जैसे मैंने बताया 2 HP से मशीन चालू है तो आप आराम से 15,000 पूंजी लगा के आप आराम से इसका स्टार्ट कर सकते हैं मशीन का। मतलब कम से कम 15,000 रुपए से मशीन के साथ लोग शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे अगर आप क्वालिटी खोजेंगे, जैसे जैसे उसके जो अलग अलग प्रोडक्शन अलग जैसे जैसे हाई प्रोडक्शन होगा तो उसके अनुसार कीमत जो है अलग अलग उसका वैरी करते जाएगा। राइट सर, जैसे 2 HP से स्टार्ट करते तो 15,000 से स्टार्ट है, उसके बाद जैसे आप बढ़ते हैं 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, उस हिसाब से रेट वाइज आपको लमसम मिलता है सर अमाउंट। और ये जो मशीन है जो अभी सामने से हमारे दर्शक देख रहे हैं तो ये सिंगल फेज पे चलेगी? बिल्कुल सर, अगर कोई भी कस्टमर 2 HP, 3 HP, 5 HP लेता है तो वो सिंगल फेज पे आराम से चला सकता है। 5 HP के ऊपर अगर कोई भी मशीन लेते हैं 7.5 HP, 10 HP, तो उसको 3 फेज लेना कंपलसरी है सर। तो दोस्तों ये जो अभी आप सामने से मशीन देख रहे हैं ये सिंगल फेज पे चलेगी, यानी अगर आप गांव देहात से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ट्रिपल फेज का कोई आपको टेंशन नहीं लेना, लोड नहीं लेना, जो घर वाली बिजली है जिस पे आप फ्रिज, पंखा, कूलर, टीवी चलाते हैं उसी पे ये मशीन चलेगी। और काफ़ी शानदार क्वालिटी की जो है ये मशीन है, हैवी ड्यूटी की मशीन है, आप देख सकते हैं कि क्या
जो इसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जो पार्ट्स लगाए गए हैं, काफ़ी हैवी हैं। तो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और कैसे ये लाइव डेमो के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि मसालों की पिसाई कितनी अच्छे तरीके से ये कर रहा है। और मैं बता दूं कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप देख सकते हैं कि ढेर सारे जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो तैयार करके यहाँ रखे गए हैं। और ये अभी मैं कंपनी के ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ लाइन से जो है वो अलग अलग मोटर जो है वो असेंबल करके मशीनों के साथ अभी किया जा रहा है और अभी प्रोसेस में है। तो ये है, हम इस तरह की वीडियो इसलिए बनाते हैं, जो कंपनी अगर मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वो अगर आपको कोई मशीन में खराबी आती है तो समय पे आपको सर्विस मिलेगा, जो पार्ट्स अगर जो गड़बड़ होंगे वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कि मशीनों का ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ ले के बेच रहे हैं, तो आपको समय पे सर्विस नहीं मिल पाएगी, उसके पार्ट्स जो खराब होंगे वो नहीं मिल पाएंगे। तो यही सब कारण है कि हम बिहार से चल के इतनी दूर आए हैं। जो आप देख रहे हैं वो मसाले की जो मशीन है उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये जो वीडियो को देख रहे हैं तो वो कहेंगे यार इतनी बात बता रहे हो, प्रोडक्शन तो आपने बताया ही नहीं। तो ये जो मशीन है ये 3 HP से चलेगी जी, तो क्या इसका प्रोडक्शन रहने वाला है? 3 HP का सर आपको 25 से 30 किलो मिलेगा पर आवर, और 5 HP लेते हो तो आपको 35 से 40 किलो मिलेगा सर। जी सर, ये जैसे 3 HP MS ब्लोअर है, तो 3 HP अगर कोई लेता है तो उसका कैपेसिटी अगर हल्दी पीसते हैं तो आराम से 25 से 30 किलो रहेगा, लेकिन वहीं अगर आप धनिया पीसते हैं, जीरा पीसते हैं, तो उसका कैपेसिटी कंपेरेटिवली हल्दी से थोड़ा कम होता है, बिकॉज उसका मॉइस्चर उस हिसाब से रहता है सर। बिल्कुल, तो मसालों पे डिपेंड करता है उनका प्रोडक्शन, अगर कोई हैवी है तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगा, कुछ हल्की जो मसाले हैं जैसे जीरा धनिया आपने बताया उसका प्रोडक्शन उसके कंपेरेटिव कम निकलेगा, कम रहता है सर, राइट। अब इस वीडियो को जो देश के अलग अलग हिस्सों से इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो गांव में भी रहते हैं और अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए मेरा सवाल है कि इस टाइप की मशीनें जो ये मसाला मशीन है कहाँ कहाँ न्यू गोकुल इंडस्ट्री उपलब्ध करा सकती है? सर हम ऑल ओवर इंडिया वर्क करते हैं, जैसे हम गूगल में है, इंडिया मार्ट में है, तो अगर जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं स्क्रीन पे नंबर दिया ही हुआ है वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल के थ्रू उनको मशीन दिखाते हैं, लाइव डेमो दिखाते हैं और उनको डिस्पैच करते हैं मशीन। अगर दोस्तों आप यहाँ आ सकते हैं तो प्लांट विजिट करके चीज़ों को और अच्छे तरीके से मैम के साथ बैठ के चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप अपना उद्योग लगाते हैं तो बहुत सारे जो है क्यूरियोसिटी आपके अंदर होती है, बहुत सारे सवाल आपके अंदर होते हैं, आप उसका जवाब जानना चाहते हैं, तो हो सकता है एक वीडियो में आपको सब कुछ नहीं मिल पाए, तो आप यहाँ आकर चीज़ों को और अच्छे तरीके से प्लांट विजिट करके सामने से देख कर चीज़ों को समझ कर अपना उद्योग लगा सकते हैं। इस तरह के उद्योग जो लोग करते हैं मैम, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग करते हैं, उनका काफ़ी मेहनत से पैसा कमाया हुआ होता है, तो वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो इंश्योर होना चाहते हैं कि भाई जब अगर मैं मशीन ले रहा हूँ तो इतने दिनों तक मशीनों में कोई खराबी नहीं होने वाली। कहने का मतलब कि न्यू गोकुल इंडस्ट्री जो है कितने दिन तक वारंटी वगैरह देती है? सर कोई भी मशीन आप न्यू गोकुल इंडस्ट्री से लेते हैं तो उसमें 1 साल की मोटर की गारंटी आती ही है, क्योंकि हमारा जो मोटर है कॉपर वाइंडिंग मोटर रहता है और 1 साल के अंदर कुछ भी रहता है तो हम इंस्टेंट मोटर को रिप्लेस करके देते हैं। प्लस ये जो मशीन है इसमें 4 टाइप की जालियाँ आती हैं, जैसा भी आपको जो भी मसाला पीसना है वो जाली फिट करके आराम से आपको हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा जो भी पीसना है आप आराम से पीस सकते हैं। प्लस इसको आप 1 टाइम में आपको ये ग्राइंड करके दे देता है सर, कमर्शियल यूज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है मशीन को। मेरा आखिरी में सवाल, जैसे बहुत सारे युवा जो है आज रोज़गार की तलाश में है और इस तरह का बिजनेस जो है एक अच्छा स्टार्टअप माना जाता है, तो मान लीजिए अगर कोई इस तरह के बिजनेस को शुरू करते हैं तो उनको पता नहीं होगा कि मशीनें कैसे ऑपरेट होंगी, कैसे एग्जीक्यूट होंगी, कैसे मसाला की पिसाई होगी, कहने का मतलब कि ट्रेनिंग वगैरह कैसे उनको मिलेगा? जी जैसे हम ऑनलाइन वर्क करते हैं सर, जैसे कोई भी मशीन बिहार है, यूपी है, कहीं से भी लेता है तो लेने के बाद हमारा यही होता है उनसे कि सर जब आपको मशीन पहुंच जाए तो आप हमें कॉल करिए, हमारे जो यहाँ पे कारीगर हैं, इसके जो एक्सपर्ट हैं, हमने एग्जीक्यूटिव्स हैं हायर किए हुए हैं, वो कॉल के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू उनको समझाते हैं किस तरह से मशीन ऑपरेट करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये है किरण मैम और न्यू गोकुल इंडस्ट्री के अंदर मैम काम करती हैं, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लोर करके बताया, मसाला उन्होंने बताया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ का नंबर दे दिया है, आप कॉल करके स्पाइसेस बिजनेस से संबंधित विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।